टाकुली और टॉक्स की एक और नई वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और अभी आप देख रहे होंगे पीछे फ्रेम में टाटा एस गोल्ड पेट्रोल। अब यहाँ से मैं जा रहा था तो मेरे को जो है टाटा एस गोल्ड जो है ये लोड जो है ले जाते हैं, मतलब भरते हुए दिख गया। और इसकी मेरे को एक ऐसी वीडियो ज़रूर बनानी थी लोड के साथ में जो है माइलेज टेस्ट वाली, तो मैंने सोचा बात बात करते हैं ज़रा भैया से, पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, कितनी दूर जा रहे हो, कितना लोड लेके जा रहे हो। और मैंने और माइलेज के लिए भी कहा मैंने, तो भैया मान गए। तो आज की वीडियो इसी पर रहेगी। और देखिए गाड़ी भी जो है हमें BS6 फेज 2 वाली जो है देखने को मिली है, मतलब जो अपडेट यहाँ पर जो टाटा एस गोल्ड इस पेट्रोल पिकअप में हुआ है, और ये पेट्रोल वाला ही वर्जन है आपका। तो यहाँ पे जैसे कि हेडलैम्प एंडलैम्प चेंज है, तो ये अच्छी चीज़ है कि नया जो है हमें टाटा एस गोल्ड यहाँ पे मिला है, वो भी जो है लोड भरते हुए। तो इसका जो है आज माइलेज टेस्ट जो होने वाला है। अभी जो है यहाँ पर पूरा लोड जो है इसमें, लोड जितना भी इसमें आता है वो जो है भरने देते हैं, फिर जाके जो है हम इसमें पूरा जो है पेट्रोल फिलअप करवाएंगे, उसके बाद जो है इसका ट्रिप ए जो है वो जो है जीरो कर देने वाले हैं हम। फिर जाके जो है कितना जो है ये जितना भी जितनी दूर जो है चलता है, जहाँ जहाँ जो है इसका लोड उतरेगा वो जो है कितना माइलेज, एंड में पूरी गाड़ी खाली होके जो है यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर देखने को इसमें जो है माइलेज देखने को मिलता है, वो सारा आपको पता लगने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि चेंजेस हुए थे, हेडलैम्प्स पहले राउंड शेप में आते थे, अब ऐसे हो चुके हैं। और गाड़ी कितना चल चुकी है, कितना पुरानी है, ये तो अभी हम जानेंगे। चल कितना चुकी है ये आपको एक बार मीटर में आपको जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे स्टेयरिंग भी जो है आप चेंज किया है कंपनी ने, और आपकी जो है यहाँ पर सीटें भी थोड़ा सा जो है यहाँ पर बड़ी कर दी हैं, अगर आप देखें यहाँ पर। तो अभी दिखाता हूँ मैं, अभी भैया जस्ट लोड हो रहा है सामान पूरा बड़ी गाड़ी से जो है यहाँ पे छोटी गाड़ियों में। तो ऐसे ही होता है बड़े बड़े शहरों से जो यहाँ पे जो लोड सामान आता है इतने बड़े ट्रकों में तो आ जाता है, फिर इसके बाद जो शहरों में इधर उधर जो यहाँ पे सामान जाता है ऐसी जो है छोटी गाड़ियों से ही जो है आपका जो है सामान इधर उधर जाता है। अब यहाँ से अगर आप देखें मीटर में तो आपका जो है गाड़ी अगर आप देखेंगे तो कितना चल चुकी है वो आपको दिखाता हूँ एक बार। मीटर कंसोल पूरा डिजिटल मिलता है आपको इसमें, 8499 जो है यहाँ पर, मतलब 8500 जो है पूरी गाड़ी लगभग अभी तक जो है जब से ली होगी ये जो है यहाँ पे चल गई है। अब देखें कितना सामान जो है यहाँ पे इसमें लोड करते हैं भैया, लगभग कितना करते हैं वो ज़रा आप ही पता करेंगे। तो दोस्तों अब तैयारी हो चुकी है जो है फुल निकलने की, सामान पूरा जो है पैक हो चुका है, और यहाँ से रस्सियों से मतलब सामान गिरे नहीं इसलिए पूरा जो है एकदम पैक कर रहे हैं इसमें। लगभग जो है अगर मैं बात करूँ जो है डब्बे बड़े भी हैं छोटे भी हैं हर एक तरीके के हैं, और फुल ऊपर तक जो है लोड हो चुका है। और कितना होगा सामान जो है केजी में अगर मैं बात करूँ, लगभग जो है इसकी जो पासिंग है 710 kg के है, उसी के आसपास जो है यहाँ पर लगभग जो है 700 से 800 kg के आसपास जो है इसमें सामान होगा, क्योंकि कई डब्बे ऐसे हैं जो बड़े भी हैं साइज में लेकिन हल्के हैं, कई छोटे डब्बे हैं साइज में छोटे हैं बड़े भी हैं जो है थोड़ा भारी भी हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है सामान पूरा जो है यहाँ पे लोड हो चुका है। अब ज़रा चलते हैं, अभी कुछ दूर तक जो है यहाँ पर जो है भैया भी साथ में जाएंगे, तो मतलब तीन लोग भी बैठना चाहें ना, ड्राइवर के साथ दो लोग बैठना चाहें वो भी आराम से बैठ सकते हैं इसमें। आप देख रहे हैं तो दोस्तों अब पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे, फिल करवाते हैं इसका जो है पूरा ऊपर तक पेट्रोल भी। इसमें देखें तो आप जो है ब्लिंक हो रही है, तो कमी है मतलब है ही, मतलब बहुत ही कम है, तो मतलब पेट्रोल भी अच्छा खासा आएगा। फिर जाके हम जो है ट्रिप ए जो है इसकी जीरो कर देंगे, ये जीरो कर दी हमने ट्रिप ए ट्रिप बी। अब गाड़ी तो भरवाते हैं इसमें पेट्रोल फुल, ट्रिप ए ट्रिप बी दोनों ही जीरो कर दी हमने पहले ही, क्योंकि यहीं से अब गाड़ी जो है सीधे लोड जो है उतारने अपनी जो है जाएगी। लगभग देखते हैं कितना आता है।
अभी 0-0 है यहाँ पे। ऊपर तक कर देना, ठीक है? ऊपर तक कर देना। लगभग जो है 22 पे अभी जाके रुका है, अभी और भरते हैं इसे फुल। वैसे तो जो है इसकी 26 लीटर की जो है पेट्रोल टैंक है, देखें कितना आता है इसमें। अब नहीं आएगा बाहर तक, चलो इतना ही रहने दो फिर। तो ये फुल हो गया, पूरा फुल हो चुका है यहाँ तक जो है निकल रहा है। तो अब जो है इसका लगभग जो है 22 लीटर के जो है आसपास इसमें जो है पेट्रोल आया है। और यहाँ जो है ट्रिप पे ट्रिप भी हमने पहले जीरो कर दिया था, क्यों जी? यहाँ से अगर आप देखें ये तो गाड़ी 8503 वैसे पूरी चली हुई है। यहाँ से अगर आप देखें एक बार और 8503 ट्रिप पे जीरो है, ट्रिप भी हमने जीरो कर दी है। अब प्रॉपर जो है इसका माइलेज टेस्ट जो है पूरा जो है अच्छे तरीके से जो यहाँ पे निकलने वाला है। अब चलते दोस्तों, टैंक हो चुका है जो है अब जो है टाटा एस गोल्ड पेट्रोल का एकदम जो है फुल। एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ से आप देख लीजिए सारे डंडे जो है यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं। और कुछ सामान जो है अपना यहाँ लोकल रुद्रपुर में भी उतरना है, क्यों भैया? और फिर इसके बाद कहाँ? काशीपुर जाएंगे। लगभग यहाँ से कितना किलोमीटर है? काशीपुर 65 किलोमीटर। थोड़ा सामान यहाँ उतारने के बाद जो है हम 65 किलोमीटर जो है यहाँ पे फिर जाएंगे। तो अब चलते फटाफट से, पहला जो है यहाँ पे सामान कहाँ उतरता है, क्योंकि देखो जब अगर पिकअप की बात आती है सामान जो है ऐसा नहीं है कि एक ही जगह, हर जगह जाना होता है। कहीं जो है शहर में उतरना पड़ता है सामान, कभी जो है हाईवे से लंबा चल के जो है यहाँ पे जो है वहाँ सामान उतारना पड़ता है। तो हर एक तरीके से आज जो है काफ़ी अच्छा खासा जो है जो टाटा एस गोल्ड ये पेट्रोल पिकअप है इसका जो है माइलेज टेस्ट होने वाला है। और भैया से भी ज़रा पूछते रहेंगे ये पिकअप चला रहे हैं कैसा जो है, मतलब अभी तक जो चला 8,500 किलोमीटर लगभग आप ही नहीं चलाया हुआ है ना? मैं नहीं चलाया है। हाँ, तो पूछेंगे कैसा लगा पिकअप, किस तरीके से अभी ये पहले 4 गियर आए करते थे 5 गियर, कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, ये सारा कुछ, क्योंकि अच्छा खासा गाड़ी चलनी है तो ये सारा कुछ हम जानेंगे। सिटी और प्लस हाईवे दोनों तरीके का जो है माइलेज ये आपका जो है पूरा टाटा एस गोल्ड पेट्रोल पिकअप में निकलने वाला है। अब थोड़ा सा जो है हम गलियों में आ चुके हैं रुद्रपुर की, जहाँ आपको थोड़ा गैप बम्पर टू बम्पर ब्रेक भी लगेंगे, कभी थोड़ी गाड़ी चलेगी फिर रुकेगी, सामान तो देंगे। तो यहाँ से एक कॉम्बो आपका जो है माइलेज पेट्रोल और जो है पेट्रोल इस पिकअप का सिटी और जो है हाईवे का दोनों निकलने वाला है। देखें क्या निकल के आता है। तो पहला जो है अपना स्टॉपेज यहाँ पे रहेगा रिलायंस ट्रेंड्स पे, और भैया जो है एकदम वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं भाई साहब। भैया को गाड़ी भी खुद चलानी है, और ये जो सारा जो है यहाँ पे जो लोड हुआ है सामान उनका, जितना भी पेपर वर्क है वो भी जो है भैया ही कर रहे हैं, मतलब मानना पड़ेगा। तो दोस्तों एकदम भैया ने फुर्ती के साथ में फटाफट से जो है 8 बॉक्स उतार दिए यहाँ पे। अब चलते हैं अगले उस पर। तो अगला स्टॉपेज जो है अपना वो रहता है ये स्मार्ट बाजार, जो मेट्रोपोलिस के जो है पास में है, लगभग 8507 वही जो है 2 किलोमीटर के आसपास जो है हम आए होंगे। अब शायद एक बॉक्स यहाँ भी है, भैया दे के आते हैं फटाफट से, ये देखो। लेकिन कुछ भी कहो यार, भैया का जो है डेडिकेशन देखना पड़ेगा। तो भैया फटाफट से आ गए सारा काम, एक तो भैया की फुर्ती का कुछ जवाब ही नहीं है, फटाफट से जाते हैं भैया, फटाफट से आ जाते हैं। अब अगले जो है चलते हैं उस पे। बाल फार्मा कंपनी। कौन सा? बाल फार्मा। बाल फार्मा कंपनी है कोई? तो भैया ये पहुंच चुके अपने जो है जहाँ भैया करते
बाल फार्मा पे। तो एंट्री ले लिया हमने बाल फार्मा के अंदर। तो यहाँ पे जो है उतार दिया है सामान, अब चल रहे हैं हम अगली जो है डेस्टिनेशन की ओर। तो अब जो है निकल रहे हैं हम गदरपुर और जो है काशीपुर की तरफ। जितने भी जो यहाँ पे तीन चार जगह जो रुद्रपुर में सिटी में जो देने थे जो है डिलीवरियाँ, वो जो है सारी भैया ने निपटा दी है। और अब थोड़ा सा जाम भी मिल रहा है, तो समझ लीजिए हर एक तरीके की जो एक नॉर्मल कह सकते हैं जो गाड़ी चलती है हाईवे पे और जो है सिटी पे कैसी कंडीशनें मिलती हैं उस हिसाब से पूरा एक माइलेज निकलेगा। ऐसा नहीं है कि हम हाईवे पे ही दौड़ा रहे हैं पूरी गाड़ी। हाईवे पे आपको कभी अच्छा माइलेज देखने को मिल जाता है, ऐसा नहीं है हाईवे पे नहीं जाएगी गाड़ी, हाईवे पे भी जाएगी। तो दोस्तों लगभग जो है 16 से 18 किलोमीटर के जो है यहाँ पे बाद, यहाँ से अगर आप देखें 18 किलोमीटर के बाद अब हम निकल चुके हैं जो है शहर से हाईवे की ओर। मेन गदरपुर में एक है अपना, हाँ गदरपुर में एक होगा, इसके बाद सीधे काशीपुरी रुकेंगे। लगभग जो है सिटी में जो है हम अगर मैं बता दूँ 18 किलोमीटर जो है यहाँ पे हम चले हैं। तो अब हाईवे का रन रहेगा, तो एक तरीके से जो है पूरा मिक्स वाला रन रहने वाला है। सिटी में भी चली है गाड़ी अच्छे खासे, ट्रैफिक में भी चली है, अब हाईवे पे भी चलेगी। तो अपने साथ है भैया, भैया नाम बता दो एक बार। विपिन शर्मा। विपिन भैया है अपने पास। तो गाड़ी 8000 किलोमीटर के आसपास, 8500 चली हुई है। तो पूरी आपने ही चलाई है? 8000 मैंने चलाई है। 8000, अच्छा। तो सबसे पहले तो ये बताओ भैया, इस लाइन में कब से हैं? लॉजिस्टिक में तो कम से कम मुझे हो गए 7 साल। अच्छा, लॉजिस्टिक में 6 से 7 साल हो चुके हैं। और जहाँ अभी हम हैं यहाँ कितने में? यहाँ मुझे 6-7 मंथ हो गए। अच्छा, तो लॉजिस्टिक में भी गाड़ी चलाते थे या वैसा? नहीं, वो फील्ड की जॉब थी। अच्छा, वो फील्ड की जॉब थी, तभी मैं ये चीज देख रहा हूँ। आप ये सारा पेपर वर्क भी फटाफट कर ले रहे हो, और ये मतलब ड्राइविंग भी आप काफी बढ़िया ही कर रहे हो। तो ये गाड़ी कब से चला रहे हैं? ये गाड़ी मैं 3 महीने से चला रहा हूँ। अच्छा, 4 दिन। और इससे पहले भी चलाते थे क्या? इससे पहले गाड़ी भी चलाता था। अच्छा, वैसा मतलब गाड़ी के साथ लॉजिस्टिक वाला काम यहीं आगे करा है ना। तो गाड़ी कैसी लगी सबसे पहले? तो ये गाड़ी तो सर बहुत बढ़िया है, खराब नहीं है, टाटा की तो वैसे भी काम भी होती है। हाँ, गाड़ी बढ़िया है। सबसे पहले चलाने में कैसा लगा इसका स्टीयरिंग फीडबैक? स्टीयरिंग भी बढ़िया है, और अपने कम से कम जगह में कटिंग हो जाती है। पुरानी वाली जो थी उनमें थोड़ा हो रहा था। स्टीयरिंग भी इसका अपडेट किया है, पहले मैनुअल वाला था, और थोड़ा सा अब जो है काफी जो है ये चीज काफी सही लगी। और इसके बाद इंजन का बताओ, कभी लगा कि लोड पे ऐसा कि गाड़ी थक रही है? नहीं सर, इसमें लोड पे तो पता ही नहीं चलता, इसमें तुम 2 टन भी डाल दोगे तो भी गाड़ी आपके हिसाब से चलेगी, जैसे कि 2 टन है ही नहीं। अच्छा, गाड़ी तुम्हारी जो 70 की स्पीड है ना, तो 60, 65, 65, 70, 65, 68 चलती रहती है, पहले कोई बबलिंग नहीं है। और गियर का कैसा लगा? पहले चार गियर थे, अब 5 हो चुके हैं। 5 हो चुके हैं, मतलब 5 में बढ़िया है। ये अच्छा हो गया कि मतलब जिसे लॉन्ग जा रहे हैं। और तो ऐसा नहीं लगता है कि गाड़ी 60-65 चल रही है, तो आपको ये लगे कि गाड़ी गियर मार रही है। बिल्कुल, और 4 गियर वाली गाड़ी थी तो उसमें ऐसा लगता था गियर और हो। ये चीज भी काफी। बाकी सीट का कंफर्ट कैसा लगा? सीट भी थोड़ी मॉडिफाई कर दी। सीट भी बढ़िया, एकदम कंफर्टेबल है और एडजस्टेबल है, बढ़िया वाली। एक चीज यहाँ भी कुछ बता रहे थे आप। हाँ, यहाँ पे ना ये इंजन पहले हीट मारता था। हाँ, ये चीज देखो, अब यहाँ पे कवर दे रखा है, सीट दे रखी है, एक बंदा प्रॉपर बैठ सकता है। तो ये चीज भी कुशनिंग दे दी है, ये भी काफी अच्छा किया है। तो ये जो है अपनी एंट्री हो चुकी है गदरपुर में। तो यहाँ भी जो है रिलायंस ट्रेंस पे उतरेगा जो है यहाँ पे सामान। काम कर दिया है, अब चलते हैं
सीधे काशीपुर। तो आप पकड़ लिया है जो है हमने हाईवे जो कि आप ये देख रहे हैं लगभग 25-30 किलोमीटर अपना हाईवे पे ही होगा रन क्यों। और ये जो पांचवा गियर बढ़ाया ना टाटा मोटर्स ने वो यही काम आता है क्यों। बिल्कुल बहुत अच्छा है। हाँ ये चीज हाँ बंदा बैठा है वो PLC पे देखे ध्यान देके चलाया गाड़ी बिल्कुल तो वो गाड़ी आराम से चला सकता है क्योंकि इसमें पहला गियर दूसरा गियर और कब शिफ्ट करना है कब शिफ्ट करना है कब डाउन करना है तुरंत अलार्म बोलने लगता है इसका। बिल्कुल ये गियर शिफ्ट एडवाइजर ये चीज एडवाइजर है इसमें। हाँ ये चीज उसकी बात कर रहे हैं भैया ये काफी जो है अच्छा अच्छा लगा ये चीज भी बता रहा हूँ भैया। तो अब जो है हाईवे से अपनों ने एंट्री मार दी है काशीपुर वाले जो है यहाँ पे गड्डों में। तो ये पहुंच चुके हैं हम पहले जो है काशीपुर के पहले स्टॉपेज पे। तो ये है कंपनी बहुत ही पॉपुलर पॉपकॉर्न जो एक्टिव पॉपकॉर्न होते हैं ना आपने खाए भी होंगे जो कुकर में पैकेट जो है आप फाड़ के बनाते हैं। तो यहाँ जो है ड्रॉप करने आए हैं फटाफट से अब ड्रॉप करके निकलते हैं। तो यहाँ से भी जो है फटाफट से अब निकल लिए हैं हम सामान उतार दिया है। तो लगभग जो है हम 5-6 किलोमीटर जो है रुद्रपुर जो कह रहा हूँ काशीपुर जो है यहाँ पे सिटी में जलने के बाद आ चुके हैं रिलायंस ट्रेंड्स पे क्योंकि रिलायंस ट्रेंड्स का जो सामान है वो कुछ ज़्यादा ही जो है भैया के जो है पास आता है तो यहीं से जो है सारा कुछ जाता है। तो भैया फटाफट से जो है ऑलमोस्ट गाड़ी खाली हो चुकी है बस ये दो डब्बे बचे इसके बाद हम चल देंगे। तो अब चला जाए। और अगला स्टॉपेज बहुत ही जो है पास में था वो था ट्रेंड्स ये ट्रेंड्स फुटवेयर वाला ही है सिर्फ और सिर्फ। तो दोस्तों आखिरी जो है लोड ट्रेंड्स फुटवेयर पे उतारने के बाद जो है गाड़ी यहाँ से जो है पूरी जो है आप देख रहे होंगे खाली हो चुकी है और जहाँ से आपने हमने जो है ट्रिप जीरो किया था उसके बाद जो है गाड़ी कितना चली है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख लीजिए गाड़ी जो चली है वो लगभग जो है चली है यहाँ से आप देखें तो 73.9 किलोमीटर मतलब पूरे पूरे आप 74 किलोमीटर लगा लीजिए लोड के साथ में जो है सिटी में भी और जो है हाईवे में भी ये चलिए अब जाके जो है ये पूरी खाली जाएगी सीधे जो है जहाँ से हमने जो इसमें फ्यूल अप करवाया था वहाँ से जो है पूरा फ्यूल अप करवाएंगे। तो अब जो है हम चढ़ रहे हैं हाईवे पे जैसे हम काशीपुर के लिए हाईवे से नीचे उतरे थे अब उसी हाईवे पे जो है दोबारा से हम जा रहे हैं क्योंकि रुद्रपुर को जाना है। तो लगभग अगर मैं बात करूं 74 किलोमीटर पे जो है हमने लोड खाली किया था यहाँ से अगर आप देखें आप लगभग जो है 84 हाँ लगभग 83.9 हो रहा है वही 84 मान लो 10 किलोमीटर जो है काशीपुर जो है अंदर मार्केट से निकलते निकलते हमें यहाँ पे पूरा हो गया। तो ये पहुंच चुके हैं जो है हम रुद्रपुर में भैया भी हमने साथ हैं एक बार आपको दिखाते हैं कितना चली है गाड़ी यहाँ पे ट्रिप पे दिखाते हैं आपको
132.1 मतलब 132 किलोमीटर आप कह सकते हैं। क्यों आप जो है यहाँ पे पेट्रोल फुल करवाते हैं यहाँ पे, फिर आपको पता लग जाएगा। और वही है पेट्रोल पंप यहाँ पे, अगर आप देख रहे होंगे, और भैया भी शायद वही हैं जो सुबह जो है हम फुल करवाते हैं। हम देखें कितना आता है, पेट्रोल ही है, पेट्रोल है। हाँ पेट्रोल ही है। हाँ और लगभग 8.14 यार, तू हार्ट कट हो गया ना, फुल करो फुल। हाँ फुल कर दो, ऊपर तक लेना है, ऊपर तक। हाँ बस ये निकलने लग गया है बस। हाँ 8.79 किलो जो है यहाँ पर आया है अगर आप देखें, और 132 चली सी 132 डिवाइड बाई अगर आप करें जो है 8.79 करते हैं, 8.79 करें तो लगभग जो है यहाँ पे, एक बार फोकस करता हूँ, 15 किलोमीटर का, 15 का जो है यहाँ पर माइलेज निकल के आया है। यहाँ से आप देखते हैं तो ये कुछ रहता है जो है टाटा एस गोल्ड पेट्रोल का जो है माइलेज। यहाँ से अगर आप देख लें एक बार, अभी जस्ट चाबी निकाल रखी है, तो 132 किलोमीटर जो है यहाँ पे गाड़ी चली थी, और कैसी कैसी रोड कंडीशन में यहाँ पे चली है वो आपने जो है यहाँ पर देखा ही होगा। किस मतलब लगभग 132 किलोमीटर में आप मोटा मोटा मान के चलिए 18 किलोमीटर जो है ये जो चली थी रुद्रपुर में चली थी, सिटी में चली थी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो है गाड़ी जो है गदरपुर भी गई है, काशीपुर भी गई है, वहाँ भी अगर आप मोटा मोटा लगा के चलें 10-10 किलोमीटर जो है हम सिटी में जो है काशीपुर में चले थे, तो 50 किलोमीटर आप सिटी का लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है लगभग जो है 80 किलोमीटर आप जो है हाईवे का लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से 15 का निकल गया है भैया माइलेज। हाँ अभी कुछ भी अगर देखा जाए तो 15 का माइलेज जो है यहाँ पर गाड़ी ने निकाल के दिया है। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो, टाटा एस गोल्ड पेट्रोल के जो है माइलेज टेस्ट की वीडियो। अगर पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।